एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो पिछले वीडियो में मैंने आपको इस लहंगे के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई थी। आज इस लहंगे को हम बनाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपने ये वाली ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखी है ना तो वीडियो के एंड में मैं आपको उसके लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा मेजरमेंट। ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग तो हमने इसी मेजरमेंट से की थी, जो लहंगे की मेजरमेंट दी है उसी से अब हम बने लहंगे बनाएंगे। तो ये हमारा अस्तर है, सैंतून वाला अस्तर मैंने यहाँ लिया है और टू फोल्ड करके इसे रखा है। लेंथ और विथ मैंने 31 इंचेस की रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से मैं एक बार आपको मेजरमेंट करके दिखा दे रही हूँ यहाँ पर। तो इस सैंतून में से अभी हमें क्या करना है, इसे एक साइड को हम इसे ले करके इस तरह से ट्राइंगल शेप में मोड़ लेंगे, ठीक है। इसे हम अपने साइड पे पलट लेते हैं ताकि हमारा मार्किंग आसानी से होगा। अब देखिए हमें वेस्ट लेना है 22 इंचेस, ठीक है। 22 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए जी, आता है आपका 5.5 इंच। उसमें हमें क्या करना है, 1.5 इंच ऐड कर लेंगे। मीन्स हमें वेस्ट लेना है 7 इंचेस का, जो इस तरह से हमें मार्क करनी है। ऊपर से हमें पूरे में 7 इंचेस पे मार्क करते हुए इस तरह से कर्व शेप बना लेना है। और अब हम 24 इंच लेंथ इसमें रखे हैं ना, जो हमें रेडी लेंथ रखनी है वो 24 इंच रखनी है। इसकी लेंथ यहाँ देखिए 23.5 इंच आ रही है, तो हम पूरे को 23.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं, क्योंकि अस्तर हमारा जो मेन फैब्रिक है उससे लगभग 1 से 1.5 इंच कम ही रहता है। तो ये हमारा फोल्ड करने में भी चला जाएगा, इसलिए हम इसे 23.5 इंच ले रहे हैं। इस तरह से मार्क कर लेंगे और इस अस्तर को हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से मार्क हुआ। अभी ये है ना, हमें अपने जो हमारा नेट है ना उस पर भी सेम मेजरमेंट से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ थोड़ा सा जॉइंट पड़ा है जो मैंने इसे स्टिच कर लिया, एकदम बराबर हमने दोनों कट किया है। अब बची हुई यहाँ पे मैंने टोटल 8 मीटर की नेट यूज़ की हुई है, ठीक है, जिसका एक पीस कट करके हमने ये स्कर्ट कट कर लिया था। बाकी का जो नेट है ना उसे हमने फोल्ड कर लिया है और सबसे पहले ये जो कोन वाला हिस्सा है वो कट करके हम हटा लेते हैं। ये हमने हटा लिया। अब चलिए यहाँ से हमें यहाँ अपनी लेयर को कट करनी है। तो लेयर कट करने के लिए हमें ज़्यादा चौड़ा लेयर नहीं डालना है, हम इसमें 4 इंच का एक लेयर कट करते हुए जाएंगे, एक एक लेयर करके। तो यहाँ पे आपकी जितनी नेट की लंबाई है ना उसी के अंदर में हमें इसे सारी लेयर्स को कट कर लेनी है। इस तरह से हम 4 इंच पे मार्क करते हुए जाएंगे। अब सारी डॉट्स को हम स्केल की हेल्प से इस तरह से मिला लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पिनअप इस तरह से हम लगा ले रहे हैं ताकि ये अच्छे से सिक्योर रहे और फिर से हम कट कर लेंगे। सो अब इसी पीस को हम अपने बची हुई जो नेट है ना ये इस पे बैठाते हुए सारे पीसेस को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने अपनी सारी पीसेस को इस तरह से देखिए कट कर लिया है, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, फ्रिल तैयार करनी है। कैसे करनी है, पहले हमें इसे सारे को एक दूसरे के साथ बैठाकर स्टिच कर लेंगे, ठीक है। सारे को एक दूसरे के साथ इसे हमने इस तरह से एक एक करके बैठाना है और स्टिच करते हुए जाना है, सब एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लेना है। एक बार जो सारा जॉइंट हो जाएगा ना तो हमारा एक साइड को लेना है, मतलब एक जो हमारा कोन है ना वहाँ से हम इसमें फ्रिल बैठाना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसमें फ्रिल बैठाना है, यहाँ जूम करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ।
इस तरह से कपड़े को अंदर की ओर ठेलते हुए इसमें प्लीट्स इस तरह से चून बैठाते हुए जाएंगे हम। पूरे में हमें चून को बैठा लेना है ताकि हमारा सारा लेयर बन जाए। ये देखिए लेयर को हमने इस तरह से प्लीट्स चून बैठा लिया। अब हम अपनी जो नेट वाली स्कर्ट हमने कट की ना वो हम लेंगे, ठीक है, और उसमें हम अपनी ये जो चून हमने बैठाई ना फ्रिल वो इसमें बैठाने हैं। तो सबसे पहले नीचे वाली लेयर को रेडी करेंगे। हाँ तो नीचे से ऊपर हमें जाना है। यहाँ पे कैसे करना है, हमारे फ्रिल के एक साइड को लेना है और ये देखिए नीचे के जो हमारे जो हमने नेट यूज़ किया ना स्कर्ट उससे एक इंच नीचे हमारा ये नेट रहेगा। और फिर हम इसे इस तरह से बैठाते हुए, इसमें हमने कोई भी मार्किंग नहीं किया है, बस हमें इसमें इसी अंदाजे से सिलते हुए जाना है। तो इसी तरह से पहले हम फर्स्ट वाले लेयर को कंप्लीट कर देते हैं। आपकी स्कर्ट से एक इंच ये नीचे रहेगी और फर्स्ट लेयर हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी फर्स्ट लेयर को कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड लेयर को हमें कैसे करना है, ये देखिए कैसे करना है। हमारा फर्स्ट लेयर जो है ना उसकी जो सिलाई हमने लगाई है ऐसे हमें सेकंड लेयर को लगानी है कि वो सिलाई हमारा यहाँ पे छिप जाए। तो लगभग ये 4 इंच का हमारा फ्रिल है तो हमें 2 इंच का मार्जिन देना है, मीन्स 2 इंच नीचे हमारा रहेगा फ्रिल और 2 इंच ऊपर की ओर से हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इतनी सारी लेयर बैठा दी, बस हमने यहाँ पे 2-2 इंच का मार्जिन इस तरह से दिया है, ठीक है, और एक पे एक इतने तक लेयर रेडी कर लिया। बाकी की लेयर भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे, ठीक है। बस हम ये देखिए अस्तर अभी हम बैठा करके आपने ये दिखाया ताकि आपको नेट पे नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने अस्तर को सिर्फ बैठाया स्टिच नहीं किया। ये देखिए मैंने सारे लेयर को इसी तरह से रेडी कर लिया है और अब हमें अपनी अस्तर को लेनी है, अस्तर को इसमें बैठाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह से अस्तर की जो कमर है ना वो दोनों को अस्तर और मेन फैब्रिक को मिला करके कमर की स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। देखिए मैंने कमर को इसमें स्टिच कर लिया है। अब इसे पलट लेंगे इस तरह से और जो खुली हुई साइड है ना उस साइड को भी हमें सिल के तैयार करना है। कैसे करना है, इस तरह से हम इसे एक बार बैठा लेंगे, ऊपर से लगभग हमें 5 इंच का मार्जिन दे देना है क्योंकि वहाँ पे हम अपनी जिप लगाने वाले हैं। तो एक बार यहाँ पे मार्क कर लीजिए आप। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे लगभग 2 इंच तक हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को पकड़ते हुए सिलना है, बट उसके नीचे से हमें अपने मेन फैब्रिक को अलग हटा लेना है, ठीक है। फिर अस्तर पर सिलाई कर लेंगे, फिर अस्तर को हटा करके मेन फैब्रिक को सिल लेंगे हम। तो ये देखिए मैंने वैसे ही किया जैसे आपको बताया था, अस्तर पे हमने अलग से सिलाई की, मेन फैब्रिक को अलग से, ठीक है। और ये जो अब मार्जिन हमने छोड़ा है ना यहाँ पे, इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करके सिलेंगे दोनों साइड को। और फोल्ड करके सिल लेने के बाद जो हमारा जिप है ना इसी के ऊपर बैठा करके स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे जिप को लगा लिया, बहुत ही आसानी से आपका लग जाएगा। पहले आप फोल्ड कर लें फिर इसके ऊपर से जिप लगा लें। नीचे की साइड को भी हमने फोल्ड कर लिया है, आप पिको भी कर सकते हैं। और बस हमें अपनी वेस्ट लाइन को तैयार करनी है। ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा हमने ज़्यादा लिया है क्योंकि हमारा साइड में फोल्ड करने पे जाएगा ये। और सेम हमने नेट भी लिया है, चौड़ाई इसकी हमने 3 इंचेस की रखी है, ठीक है। और अब हम इसे इस तरह से चैन को खोल लेते हैं और ये वाली जो हमारी बेल्ट है ना पहले अंदर से हम उल्टे साइड से इसे बैठा के सिलेंगे, फिर इसे सीधे साइड पे इस तरह से पलट करके सिल लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपका ये जो स्कर्ट है ना वो बनके रेडी हो जाएगा बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे हम लगा लेंगे अपना डोरी बस, आप चाहे तो इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये आपके लेयर वाली स्कर्ट बनके रेडी हो जाएगी। इसकी जो ब्लाउज है मैंने अंगरखा पैटर्न में बनाया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में मैं लिंक डाल रही हूँ, आप देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।